रायबरेली जनपद से लापता दो नाबालिग युवतियों को एक युवक के साथ मुरादाबाद जीआरपी ने आज सुबह पद्मावत एक्सप्रेस से सकुशल बरामद कर लिया है। एसपी जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल जनपद रायबरेली से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक हिंदू और एक मुस्लिम युवती के स्कूल नहीं पहुंचने की शिकायत पर रायबरेली जनपद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस सूचना पर मुरादाबाद जीआरपी भी अलर्ट मोड पर थी। आज सुबह चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पद्मावत एक्सप्रेस से दोनों स्कूली छात्राओं को शरीक नाम के युवक के साथ बरामद कर लिया है। एसपी जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि शरीक के साथ एक युवक और है जिसे लखनऊ में पकड़ लिया गया है। दोनों छात्राओं के परिजनों को सूचना भेज दी गई है। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने बताया कि हाल ही में लखीमपुर जनपद में हुई घटना के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर थी, जिसके चलते इन तीनों को समय रहते बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के बाद शरीक ने बताया कि ये इन्हें लेकर दिल्ली जा रहा था। क्या किया था आपने? सर हम जिनको चाहते हैं उनको ले गए थे, वो भी हमें चाहते हैं, बस उसी मिस्टेक में उनकी सहेली आ गई, तो उसी वारदात पे जो है। जा कहाँ रहे थे तुम लोग? दिल्ली। दिल्ली में कौन है? दिल्ली में कोई नहीं सर, वहाँ पे रहने के लिए जा रहे थे। नहीं, कोई एक और लड़का लखनऊ में भी तुम्हारा साथी कोई पकड़ा गया, कौन है वो? वो सर है मोहल्ले, उधर के ही है मोहल्ले की तरफ के, आते जाते हैं सलाम दो होती है, तो कल वो भी चला आया था हम लोगों के साथ। आप कहाँ के निवासी हैं? हम जिला रायबरेली के। क्या करते हैं आप? सर हम जो है कार से काम करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो जो है अपने भाई के साथ थोड़ा लगे हुए थे। पाँव हमारे शहरी। कहाँ के रहने वाले और क्या क्यों पकड़े गए? जिला रायबरेली। पकड़े क्यों गए, क्या मामला? हम और हमारी वाइफ जो है जेबा, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, इसीलिए। वाइफ कैसे हुई जब शादी नहीं हुई तो? अभी सर होने वाली है। बता तो ये सर, दूसरी लड़की कौन है? दूसरी लड़की उनकी फ्रेंड है, वो जबरदस्ती हम लोगों के साथ चली आई थी। एक्चुअली लेट हो गए थे कल जाने में, तो वहाँ कहें कि घर वाले चिल्लाएंगे, तो वो चली आई, तो जेबा लेके चली आई थी। हम भी नहीं रोके। कितनी उम्र है, जानकारी है तुम्हें? कितनी उम्र की? सर उनकी एज तो नहीं मालूम है, और जेबा की एज मालूम है। कितनी, किस किस क्लास? जेबा 18 की है। किस क्लास में पढ़ती है? जेबा है स्कूल में। जेबा है स्कूल में। दो बच्चियाँ रायबरेली से गायब हुई थी, मुरादाबाद पुलिस ने पद्मावत एक्सप्रेस से इन्हें बरामद किया, क्या है पूरा घटनाक्रम, ये जानना चाहिए। कल रात को, कल मतलब 15 सितंबर की रात को 10:30 बजे अनुभागीय कंट्रोल रूम मुरादाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई कि दो बच्चियाँ रायबरेली से गायब हो गई हैं। ये 10वीं कक्षा की छात्राएँ थीं जो कि स्कूल से घर नहीं पहुँची थीं, जिसके संबंध में वहाँ पर एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का प्रकरण है, क्योंकि नाबालिग छात्राएं गायब थीं और उनको सकुशल बरामद करना यूपी पुलिस की प्राथमिकता थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, इसको बहुत ही सीरियसली हैंडल किया गया। मेरे द्वारा पर्सनली सभी SHOs, सभी चौकी प्रभारियों को ब्रीफ किया गया कि हर तरह से बहुत अच्छा सघन चेकिंग अभियान चलाना है, और यदि ये महिलाएं, ये लड़कियां रिकवर होती हैं, तो इन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी क्रम में रात को 2 बजे पद्मावत एक्सप्रेस जो आती है यहाँ पर मुरादाबाद में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसमें 3 लोग रिकवर हुए, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियाँ थीं और एक पुरुष इनके साथ था। इन्हें उतार लिया गया, इनसे पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा खुद को रायबरेली का होना बताया गया, व जो उपरोक्त FIR है उससे संबंधित होना बताया गया। इस तरह से सकुशल बरामदगी इन बच्चियों की कर ली गई, और इनके पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया, रायबरेली पुलिस को भी सूचित कर दिया गया, और बहुत टाइमली इनको रिकवर कर लिया गया, क्योंकि यह व्यक्ति शारिक इनको दिल्ली ले जाने वाला था, जो एक बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध था, किंतु इसको समय रहते हैंडल कर लिया गया। लड़कियों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बच्चियाँ दोनों जो हैं वो स्कूल में पढ़ती हैं, 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। जो इसमें प्रथम दृष्टिया पता चल रहा है, उसमें एक बच्ची इनको पहले से, इस व्यक्ति को पहले से जानती है, और ये इसको बरगला कर और साथ में इसकी सहेली को भी बरगला कर अपने साथ ले जा रहा था। जो इसमें अभी पता चला है, इसमें एक और व्यक्ति जो कि शारिक का दोस्त है, वह इन्वॉल्व है, और वह संभवतः लखनऊ में है, और उसको वहाँ की पुलिस द्वारा पकड़ा गया।
देखिए ये सब जांच के बिंदु हैं, विवेचना के बिंदु हैं। एक FIR इसमें ऑलरेडी पंजीकृत है, जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो सब ज़रूर सामने आएंगे। बहरहाल बच्चियों को सकुशल रिकवर कर लिया गया है, बहुत टाइमली रिकवर कर लिया गया है। मैम एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा।